हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आपनों पाई पांचोटी अमेजिंग टिप्स रही छे। टिप नंबर वन, जदि शीत ऋतु रे आपनों को थंडा सब बेले लागी रही छे, तेबे सबुदिन राती रे ठीक सोइबा पूर्वरु एक ग्लास पानी रे दुईटी तेजपत्र, तीन रु चारिटी गोलमरीच, खंडे डालचीनी, छोटो खंडे अदा, दुईटी लवंग छेची फुटांतु। सही पानी को अध गिलास हेबा पर्यंत फुटाई छाणी नियंतु ओ चा पीबा परी गरम गरम पियंतु। एहा को ठीक सोइबा पूर्वरु पीबा द्वारा फुसफुस रे जमी रहितबा कफ बाहरि आसिबो ओ एहा को रेगुलर पीबा द्वारा इम्युनिटी मध्य वृद्धि पाए। जदि चैनल रे नुवा आछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु। टिप नंबर टू, जदि आपणकर सुखिला काश हेउची तेबे आपण दिनकु 10 ग्लास पानी पियंतु। पेट थंडा रहिबा द्वारा सुखिला काश हुए नाही। एहा सहित भात होइ सारिबा परे तार जेउ पेज बाहरे सेथिरु एक कप पेज नियंतु। एही पेजरे एक चमच घिया ओ एक पिंच लुण पमिसांतु। एही मिश्रणकु गरम गरम पियंतु, एहा द्वारा सुखिला काश भल हुए। टिप नंबर थ्री, जदि आपणक पेटरे गैस समस्या रहुचि तेबे आपण सबुदिन सकाळे खाली पेटरे कंचा हळदी अध चमच खाँतु। एहा परे पानी एक ग्लास पी नियंतु। जदि पाउडर हळदी आपण खाई पारु नाहंति तेबे एहाकु पानी रे मिसाई करी पियंतु। एहा द्वारा गैस समस्या रहे नाही। चेष्टा करंतु फ्रोजन फूड न खाइबाकु। फ्रोजन फूड खाइबा द्वारा गैस समस्या होइथाय। टिप नंबर फोर, टीन एज रे व्रण समस्या साधारण कथा, किंतु आजिकाली 30+ ओ 40+ एज रो लेडीज मानक मध्यरे मध्य व्रण समस्या देखा जाउछि। एहार कारण स्ट्रेस, अनिद्रा ओ फ्रोजन फूड मध्य होई पारे। फ्रोजन फूड अर्थात जेऊं खाद्य बासी करी किंबा बासी रखी खांती, जेपरि आम ओडिसा रे आमे पिठा खाऊ। पिठा मध्य फ्रोजन फूड होइथिबारु पिठा खाइले पेटरे गैस समस्या देखा दिए। लिवर रो गैस समस्या देखा देले मुहर स्किन रे ऑटोमेटिक समस्या देखा दिबो। सेथिपाई जदि आपणकर व्रण समस्या रहिछि तेबे आपण स्ट्रेस नेबा ओ फ्रोजन फूड खाइबा कमाई दियंतु। व्रण रो अधा समस्या दूर होइ जिवो। अल्प किछि व्रण समस्या जदि रहुछि तेबे आपण निम पत्र को पानी रे फुटाई सेही पानी को छाणी एक बोतल रे पुराई फ्रीजर रे रखंतु। एही पानी को दिन को 3-4 थर कॉटन रे डिप करी मुहरे लगांतु। थरे पानी प्रिपेयर करी एक सप्ताह पर्यंत रखी अप्लाई करी परिबे। टिप नंबर फाइव, बेले बेले अकस्मात कोनसी दुर्घटना घटी आमको आघात लागी थाए। हाथ किंबा गोड़ कहुणी आंठू परि स्थान रे एपरि आघात लागी दरज रहिले आपण घरे देसी चिकित्सा करी परिबे। एथिपाई एक चमच सोरिष तेल नियंतु। कंचा नेबे फुटाइबे नाही, सेथिरे किछि कर्पूर गुंड करी मिसांतु। आघात लागिथिबा स्थान रे दिनकु 3-4 थर मसाज करंतु। 2-3 दिन मसाज कले आपणकर आघात जोगु होइथिबा दरज पळै जिवो। शरीरर कोनोसी स्थान रे पवन अटकिला परि लागिले मध्य एहाकु मसाज कले उपशम मिले। भिडियोटि भल लागिले लाइक शेयर करिबे। आगुकु आसुथिबा भिडियो रे एहि परि अनेक युजफुल टिप्स रहिछि, सेथिपाई चैनल सह जोडी हेइ रहंतु।